मैंने प्रैक्टिस मैच में हरभजन सिंह को फर्स्ट बॉल, उनका फर्स्ट बॉल था और मैंने छक्का मार के मेरी 50 किया था मैंने प्रैक्टिस में। वो मेरे को ऐसे आग दिखा रहे थे और सेकंड बॉल मेरे को आउट कर लिया था उन्होंने। तो दोस्तों आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जितेश शर्मा, जो कि विदर्भ प्लेयर है और बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं, बहुत ही बेहतरीन शॉट्स खेलते हैं, बहुत ही बेहतरीन बॉलर की पिटाई करते हैं। उसके साथ ही साथ वो मुंबई इंडियंस के लिए भी खेल चुके हैं, तो बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर है। तो उनकी पूरी की पूरी जर्नी इस एपिसोड में जानने वाले हम, तो वीडियो अंत तक देखते रहे। उसके साथ ही साथ जो कि हमें मेरा फ्रेंड नया है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच इंटरव्यूज। मैं ऐसे इंटरव्यूज लेते रहता हूँ क्रिकेटर्स का, जिससे कि आपको बेनिफिट हो जाए। तो हाय जीतू भाई, हाउ आर यू? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग ऑन माय शो। इट्स माय प्लेजर। मैं मस्त हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। और मतलब जब आपका मैसेज आया था मुझे कि करे क्या प्लान, तो बहुत ही अभी मतलब बहुत ही तब से बहुत ही अच्छा लग रहा है और ज्यादा, क्योंकि आपके साथ बात करना ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और जिस तरह से आपकी जर्नी रही है पूरी की पूरी, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है, तो आपके साथ बात करके बहुत ही मजा आने वाला है बिल्कुल भी। तो बिल्कुल भी आपकी जर्नी के बारे में इस एपिसोड में जानने वाले हैं हम जीतू। तो सबसे पहले तो मतलब आपकी जर्नी स्टार्ट करने से पहले तो थोड़ा सा अभी ये जो टफ टाइम चल रहा है सबके लिए, कि लोग कहीं ना कहीं परेशान है करियर वाइज या फिर फाइनेंशियल लेवल पे, तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है कोरोना की वजह से। करोना तो एक दिन जाएगा, बट जो लोगों का भी मेंटली इससे अफेक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी बुरा हो रहा है लोगों के साथ। तो आपका क्या शेड्यूल है और आप कैसे देखते हो, आपका क्या एग्जैक्टली शेड्यूल रहता है, पॉजिटिविटी कैसे आप अट्रैक्ट करते हो अभी? सबसे पहले मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि करोना है अपने यहाँ और ये कोई लंबे टाइम के लिए रहने वाला है, तो मुझे उसको अडॉप्ट करना जरूरी है। मैं ऐसा सोच नहीं सकता हूँ कि वो 1-1.5 महीने के लिए ही यहाँ होगा, और ये मेरे अकेले के लिए नहीं, सब लोगों के लिए है। और जो भी नेगेटिविटी जो भी आ रही है ना, यू हैव टू थिंक लाइक दिस कि अगर मैं नेगेटिव हूँ तो मेरे वजह से 4 लोग और नेगेटिव हो सकते हैं उसे। अगर मेरे फैमिली में मैं अगर नेगेटिव थॉट प्रोसेस रखूंगा तो मुझे देख के और मेरी फैमिली और डिप्रेस जा सकती है। तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। और आपको हमेशा कुछ, अगर आपका डेली रूटीन अगर आपका एकदम मोनोटोनस होगा तो आपको चेंज कर दीजिए। आप हमेशा न्यू क्रिएटिव करने का कोशिश कीजिए, आप हर दिन नया सीखिए, कुछ नया करने का कोशिश कीजिए, हेल्पिंग नेचर रखिए। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपना विदर्भ का जो समर होता है बहुत स्ट्रांग होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा 3-4 बकेट अपने घर के बाहर, जैसे गाय, बर्ड्स, ये मंकी हमारे इधर बहुत आते हैं, मैं उनके लिए पानी खाना पाना बाहर रखता हूँ, तो इट्स उनके लिए भी है। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि उनके लिए भी समझ है, आप पानी रख सकते हैं घर पे, तो उनका भी थोड़ा हेल्प, ये चीजें कुछ करने से आपको बहुत अच्छा फील होता है। अगर आप किसी की हेल्प करते तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है। तो ट्राई टू बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, फॉर योर कॉलोनी, फॉर योर सोसाइटी, सो इट विल मेक यू फील गुड। डेफिनेटली, मतलब ये आपने ये एक सोच बहुत ही बेहतरीन सोच है, ये खुद के बारे में कम सोचो, लोगों के बारे में सोचो। आपकी बिल्कुल भी परेशानी होगी जरूर, बट अगर आप लोगों को कुछ मदद कर सके तो कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा लग सकता है। हाँ, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी इन अ पॉजिटिव नोट, आपसे अच्छा ही निकलेगा आपसे। Definitely. तो जीतू भाई आपकी जर्नी चालू करते हैं, बट सबसे पहले तो सवाल ये है कि आप स्कूल के दौरान कैसे थे, पढ़ाकू या फिर बैक बेंचर? मैं बैक बेंचर था, ऑब्वियसली बैक बेंचर, और बहुत मस्ती खोर था, और मैं हमेशा मार खाता था, रोज मार खाता था, ऐसे कोई दे नहीं रहता था कि जहां मैं दिन नहीं रहता था जहां मार नहीं खाता था। और मैं टीचर्स का फेवरेट था बेसिकली, क्योंकि उनको बहुत पसंद था मेरे को रोज मारना। उनके भी हाथ साफ होते होंगे। और उनको पता था कि मैं इतना इतना बेशरम था कि मैं रोज मार खाता था और रोज कुछ ना कुछ करता था। पर पढ़ाई में भी अच्छा था कि नॉट लाइक दैट कि 90% के बाद, पर मैं 80-70 एवरेज, आई वाज एवरेज के। तो मतलब आपसे मैं पूछ रहा था कि मतलब तभी से आपका यही एम था कि मतलब क्रिकेट खेलना है आगे जाके, तभी आपको क्या इंटरेस्ट था क्रिकेट में, या फिर धीरे धीरे आपको जब आगे बढ़ते गए तब इंटरेस्ट बढ़ता चला गया? अब मेरे दिमाग में कभी क्रिकेट के बारे में कोई थॉट नहीं था, एक सिंगल परसेंट थॉट नहीं था कि मुझे हमेशा बचपन से आई वॉज वेरी अट्रैक्टेड टू एयरफोर्स,
और मुझे वो आर्मी जो एयरफोर्स की ब्लू जो ड्रेस था, मैं आई वॉज वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड इट. और मेरे पापा हिमाचल के होने के वजह से उनमें थोड़े से, उनके जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो सुभाष चंद्र बोस के इसमें वो आर्मी में थे. हाँ, उन्होंने रिप्रेजेंट, हाँ, तो वो उनके बचपन से उनकी बातें सुन सुन के, तो मुझे बचपन से आर्मी की तरफ बहुत अट्रैक्ट था मैं. और फिर मैं हमेशा, मेरा एयरफोर्स का एम था. बट जैसे स्कूल में होते थे तो मैं बच्चों को देखता था जो लड़के स्पोर्ट्स खेलते थे, हम रिसेस में सब खेलते थे, तो देर वॉज सम किड्स, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था जो ऑफिशियली स्कूल को रिप्रेजेंट करते थे इन इन हाँ एनी इन एनी स्पोर्ट्स. तो फुटबॉल लड़कों, फुटबॉल वाले प्लेयर्स को देखता था कि उनको हाफ डे मिलता था और वो अलग ग्राउंड पे जाके प्रैक्टिस करते थे. तो फिर मैंने सोचा कि अपने को स्कूल में तो मजा आता नहीं है इतना. मेरे तीन चार दोस्त थे, हम चार का दो ग्रुप ग्रुप था हमारा, तो हमने चारों ने फुटबॉल ज्वाइन कर लिया और उसमें से मैं अकेला सिलेक्ट हो गया टीम में. मुझे हाफ डे मिले, स्टार्ट हुआ. अच्छा, फिर मेरे को किसी ने बताया कि क्रिकेट में फुल डे और हाफ, फुल डे ऑफ मिलता है. हफ्ते में 7 दिन में से 2 दिन, 6 दिन में से 2 दिन ऑफ मिलता है. तो आई थॉट कि साला फुटबॉल में तो 2 दिन हाफ डे मिल रहा है, क्रिकेट में फुल डे, तो क्रिकेट में ट्राई करता हूँ. तो क्रिकेट में ट्रायल ट्रायल गया और पता चला कि वहां विकेट कीपर चाहिए उनको स्कूल में, तो विकेट कीपर की ट्रायल चाहिए. तो मैंने फिर ग्लव्स पहन के विकेट कीपिंग स्टार्ट कर दी. तो हमारे जो स्कूल के टीचर थे उनको विकेट कीपिंग आने अच्छा लगा, मेरे को लगा बॉल ही तो पकड़ना है नॉर्मल. तो फिर उसके वजह से मैं क्रिकेट टीम में आया और बस वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. और मैं कभी प्रोफेशनली क्रिकेटर नहीं बनना चाहता था, बस मेरे को स्टेट में, स्टेट जाके 4% चाहिए थे मेरे को 10th में, बस वही मेरा एम था. मतलब एयरफोर्स के पर लिए मुझे ज्यादा हेल्प ग्रेड हो ऐसा, चाहे वही ये, सोचा. इसलिए आपने क्रिकेट की तरफ हाँ किया, हाँ उसके साथ ही साथ लेक्चर्स हाँ बंक करने मिलते रहे, तो उसके लिए शायद आपने क्रिकेट लगाया, मतलब क्रिकेट खेलना राइट चाहते राइट हैं। तो मतलब हाँ मैं राइट अजीत भाई आपसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब आपने फिर एकेडमी वगैरह ये सारी चीजें कब लगाई, और मतलब आपका जो, आपकी जो पूरी जर्नी है मुंबई इंडियंस की तरफ से, तो वो कहाँ से चालू चालू मतलब आपको कैसे लगा कि अभी आगे बढ़ना चाहिए हमें, हमें क्रिकेट में? बेसिकली मैं क्लब क्रिकेट में एक हमारे यूनिवर्सिटी के कोच थे जो मेरे घर के पास रहते थे, दो तीन घर छोड़ के. और मैं इधर बच्चों के साथ प्लास्टिक बॉल पे क्रिकेट खेलता था शाम को, कुछ भी गिल्ली डंडा ये वो जो भी उन्होंने गेम स्टार्ट किया, टिपिकल विदर्भ गेम खेलता था मैं. फिर वो खेलते थे. तो एक बार मैं प्लास्टिक बॉल पे खेल रहा, तो एक भैया ने जो यूनिवर्सिटी कोच थे उन्होंने देखा ये कौन है ऐसे हमारे साथ खेलते थे. तो बोले तू चांगला खेलतो असा तसा. मैं म्हटलं हो दादा मी तर शाळेसाठी पण खेळतो. तो वो मेरे पप्पा के अच्छे दोस्त है, तो वो मेरे पापा से खुद खुद से बात करने हैं और बोले इसको क्रिकेट में क्लब को भेजो. तो नहीं बोले उसको 11th 12th के बाद बोले मैं देहरादून में एयरफोर्स के एकेडमी में भेज रहा हूँ. हाँ तो ठीक है बोले, वो फिजिकली फिट हो जाएगा बोले तब तक क्लब क्रिकेट में. हाँ तो फिर पापा बोले ठीक है इट्स अ गुड चॉइस नो प्रॉब्लम. तो फिर तब मैं क्लब क्रिकेट में स्टार्ट, सो क्लब मतलब क्रिकेट स्टार्ट आप कौन से स्टैंडर्ड में थे तब जब आपने पहली बार एकेडमी लगाई? 10th 10th 11th में. कहीं ना कहीं ये नहीं था कि मन में कि मतलब, और मतलब डैड ने भी ये नहीं कहा कि मतलब अगर तो क्रिकेट लगाएगा तो कहीं ना कहीं स्टडी से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि मतलब ऐसे हम देखते हैं कि मतलब पेरेंट्स की सोच यही रहती है कि मतलब जब क्रिकेट की या फिर कौन सा भी चाहे कौन सा भी स्पोर्ट्स लगाओ तो कहीं ना कहीं आपके स्टडीज पे इम्पैक्ट कर सकता है। तो क्या आपके, आपका सपोर्ट था पेरेंट्स और ऐसी सोच थी पेरेंट्स की आपकी? मेरे पेरेंट्स से मैंने कभी भी उनके मुंह से कभी नहीं नहीं सुना मैंने मैंने आज तक नो. बट दे ऑलवेज कीप एन आई ऑन मी कि मैं वो लाइन पे हूँ कि नहीं हूँ. दे वॉज वेरी हैप्पी दैट आई वॉज मिस्चीफ किड, दैट मैं बहुत मस्ती करता हूँ. दे वर नेवर मीन्स उनको कभी उस चीज से कोई तकलीफ नहीं थी. बट दे वॉन्ट मी टू हैव अ गुड हैबिट्स, दैट्स इट, कि मैं गलत लड़कों के साथ हूँ कि नहीं हूँ. दे वॉज ऑलवेज देयर टू वॉच मी. They never said me no for cricket. They never said me to go and play for hours and hours in on the ground. They never said no for anything, for costly bats, for costly pads, for costly anything. But they always keep an eye that I am always in a good company. That's it. डेफिनेटली ये बिल्कुल भी जरूरी होता है जीतू, कि आपकी यहाँ पे क्या ओपिनियन है कि मतलब अभी हम देखते हैं कि इन कंट्रीज लाइक इंडिया, यहाँ पे एक ही सवाल पे बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं, मतलब एक ही एक टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं कि मतलब पॉलिटिक्स। ये जो पॉलिटिक्स चीज है कहीं ना कहीं आई फील कि हर एक फील्ड में रहती है, बट लोग इसमें क्रिकेट को ही टारगेट करते हैं कि क्रिकेट में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होता है, तू मत लगा तेरा कुछ नहीं होगा आगे जाके। और ऊपर से सोसाइटी भी हमारे पेरेंट्स को कन्विंस करती है कि नहीं पॉलिटिक्स से
बहुत ज्यादा पैसा लगता है तो तू मत कर। एमबीए एमएस के लिए भी उतना ही पैसा लगता है अगर आप एजुकेशन वाइज जाओ, और वहां पे भी कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी होती है। तो क्या आपकी सोच है इसके ऊपर, और क्या कैसी क्या आप यहाँ पे सजेशन देना चाहोगे? अगर ऐसा सोचा जाए कि पॉलिटिक्स है, तो आप कोई भी वर्ल्ड में कोई भी काम नहीं कर सकते। आप घर में भी पॉलिटिक्स चलता है, घर में भी पॉलिटिक्स चलता है। अगर आपको मम्मी पापा से कुछ काम करना, तो आप भी पॉलिटिक्स ही खेलते हो उनके साथ, नाराज होते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो यू हैव टू एक्सेप्ट, मैं बोल रहा हूँ कि जब तक आप चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो चीज है इसमें, तब तक पेरेंट्स को भी समझना है कि देर विल बी समथिंग देयर। कि आप कोई भी फील्ड में जाओ, कोई स्ट्रीम ऐसा नहीं है कि जो आपको एकदम क्लीन पाथ दे। अगर लड़का स्ट्रगल नहीं करेगा, तब तक वो अचीव नहीं कर सकता एनीथिंग। एंड पॉलिटिक्स विल बी देयर, बट पॉलिटिक्स एक लेवल तक ही कर सकता है, पर आपके हार्डवर्क और आपको टैलेंट को नहीं दबा सकता। एक लेवल तक ही पॉलिटिक्स खेला जा सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जीतू भाई, कि मतलब आपके करियर में जब, जैसे कि आपने बताया कि एकेडमी लगाई आपने, तो उसके बाद में आपको कैसे आगे चांस मिलता गया, ये बारे में इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि मतलब ये क्रिकेट एकेडमी से लेके सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी तक, जो 2015 2016 तक आपने हाँ, खेली, थोड़ी सी ये जो जर्नी है इन बिटवीन, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने जब फर्स्ट टाइम अमरावती के लिए जब मैंने क्लब ज्वाइन किया था एचयूपीएम, तो मैं उस टाइम मैं थोड़ा सा सोचता था कि अपने फिटनेस के लिए जाना है अपने को, अपना एम तो कुछ और है। पर मैं वो स्किल्स करता गया, प्रैक्टिस करता गया, वहां खेलता गया। तो इट वाज माय फर्स्ट ईयर जब अपने इधर डिस्ट्रिक्ट के मैच स्टार्ट होते थे अमरावती। तो सो आई गॉट लकी कि मैं अमरावती की टीम में सिलेक्ट हो गया। तो मुझे पहले मैच में चांस मिला, तो आई थॉट कि जो भी है वो एक मैच में करना है मेरे को। तो मैं आई स्कोर सम रन्स देयर। तो उसके बाद मेरे को डिवीजन में चांस मिला, तो मैंने सोचा कि ये मैच में इसमें ही करना है अपने को। मैंने डिवीजन में किया, एंड ऑन द मेरा आई गॉट आई फील लकी दैट क्रिकेट हैव चूज मी, दैट आई डोंट चूज क्रिकेट, क्रिकेट ने मुझे चूज किया ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर ही मैं अंडर 16 स्टेट रिप्रेजेंट कर दिया था। जिस साल मैंने क्लब ज्वाइन किया, उसी साल मैं अंडर 16 क्लब यानी स्टेट विदर्भ के लिए रिप्रेजेंट किया। आफ्टर दैट मैंने वो फन देखा, मैंने वो मैंने बहुत कुछ सीखने मिला। मैं 11 लड़कों के 15 लड़कों के साथ रहता था, वो मस्ती मैंने सीखा, और वो क्रिकेट का वो पैशन फिर वो मेरे में आया धीरे 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 धीरे। वो देख के कि मैं देखता था कि लोग इस चीज के लिए कितना तड़पते हैं, और मुझे एक साल में ही मिल गया वो। मैं क्लब में जाता था, मैं देखता था वो लोग कितना हार्डवर्क कर रहे, कोचेस के साथ ये कर रहे, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। दे वॉज वेरी ईगर टू प्ले फॉर स्टेट, एंड देन आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट कि मैं फर्स्ट ईयर ही अंडर 16 खेल चुका हूँ। फिर मैं 11th में गया, फिर मैं अंडर 19 फर्स्ट ईयर रिप्रेजेंट कर लिया। फिर मुझे फिर क्रिकेट्स का थोड़ा इंपॉर्टेंस आने लगा वो चीज। देन आई गॉट वेरी सीरियस अबाउट क्रिकेट। फिर मैं उसके बाद 19 को रिप्रेजेंट किया, 19 विदर्भ टीम को कैप्टन 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 भी किया रहा मैं। फिर उसके बाद अंडर 23 अंडर 25 रिप्रेजेंट किया। फिर मैं स्कोर्स करते गया, और उसके बाद मैंने विदर्भ के लिए रणजी ट्रॉफी अपना विजय हजारे, फिर सैयद मुश्ताक अली मैंने रिप्रेजेंट किया, और वहां रन किए मैंने। तो मतलब जीतू, आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि 11th 12th में मतलब आपकी डैड की ये सोच थी कि मतलब 11th 12th के बाद वहां पे फोर्स के लिए वो प्रिपेयर करेगा, तो कहीं ना कहीं जब ये आपका जो गेम के तरफ जो प्यार था जो बढ़ता गया, और जब आप सीरियस हो गए कि क्रिकेट ही खेलना है आगे जाके, तो क्या क्या रिएक्शन थी मतलब डैड की? डैड वॉज वेरी हैप्पी, एंड उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, यू आर हैप्पी, यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी, बोले कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि तू इतना जैसे मैं कैसे स्कूल से आता था और घर में अपना पोकेमोन बेबलेट देखता था हमेशा, अपना स्कूल छूटने का 5:30 का रूटीन था ये। पर पापा देखने लगे कि मैं क्लब्स को जा रहा हूँ, जैसे घर आया वैसे मैं कपड़े पहन के क्लब को जा रहा हूँ। आई वॉज मैं वो पैटर्न हो गया था मेरा कि मैं जल्दी आके सोता था, खुद से मम्मी को बोलता था मम्मी दूध दो, अंडे दो, ये दो। तो पापा वॉज वेरी हैप्पी कि ये कुछ तो भी लाइफ में, बहुत उनको ऐसे लव फील होने लगा कि मैं एयरफोर्स से ज्यादा क्रिकेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि लुकिंग मी, कि मैं वो सीरियस व्यू देख रहा हूँ, मैं एक लाइफ में सीरियस हूँ। ही नेवर एक्सपेक्ट मीन्स उनकी कभी आशा नहीं थी कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, बस ही ऑलवेज वॉन्ट मी टू बी अ गुड मैन, बहुत दैट्स ही इट। सोच है। उन्होंने मुझे जब क्रिकेट हाँ जब मुझे उन्होंने क्रिकेट की तरफ सीरियस देखा, एंड ही नेवर आस्क मी यू वांट टू गो टू द एयरफोर्स,
नेवर आस्क मी, उनको पता चल गया ऑटोमेटिकली कि ये लड़का अभी क्रिकेट का सीरियस हो गया, तो उन्होंने मुझे बिना बताए पहले देहरादून में मेरा एडमिशन के लिए उन्होंने अपना तरफ से उन्होंने उधर फॉर्म वॉर्म भर रखा था, और उन्हें बिना पूछे मुझसे वो फॉर्म वॉर्म सब पैसे वैसे वापस ला लिए थे उन्होंने देहरादून से। ये कहीं ना कहीं फ्रीडम देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि पेरेंट्स की कहीं ना कहीं सोच अलग रहती है और उनके बच्चे की सोच कहीं ना कहीं अलग रहती है। बच्चा कुछ अलग लेवल का करियर बनाना चाहता है और मतलब पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं, हम जो सोचेंगे वहीं पे जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये फ्रीडम देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। और यू गॉट लकी कि इतनी अच्छी सोच है आपके पापा की, मतलब पहले से कुछ बना के रखा था आपके लिए उन्होंने, मतलब फोर्स के लिए जाना। मैं अब आपके माध्यम से लड़कों से बोलना चाहता हूँ और उनके पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ कि लड़कों ने कभी भी पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए, उनको अपना व्यू ऑब्वियसली बताना चाहिए। यू शुड नॉट बी एंग्री, यू शुड बी ऑलवेज रिस्पेक्टफुल टुवर्ड योर पेरेंट्स, बिकॉज उन दे आपको उन्होंने ये जिंदगी में दुनिया आपको दिखाई है। यू शुड बी वेरी लकी दैट कि उन्होंने आपको ये दुनिया दिखाई है, और उनका रिस्पेक्ट कीजिए और उनके डिसीजन को भी रिस्पेक्ट कीजिए। बट यू शुड बी दैट मच स्ट्रॉन्ग कि आपको एक्सप्रेस करते आना चाहिए कि आपके पेरेंट्स को बताना चाहिए कि मॉम डैड मेरा ये इच्छा है, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ आई चूज दिस फील्ड, आई विल बी वेरी रिस्पेक्टफुल, आई विल बी ऑलवेज ओबे योर डिसीजन इफ आई गो टू दिस फील्ड, मैं आपके तरफ बहुत आभारी रहूंगा। तो पेरेंट्स आपको कभी नहीं नहीं बोलेंगे अगर आप उनको एक्सप्रेस करेंगे आपकी फीलिंग्स। दे विल थिंक कि अगर लड़का अपना अपने लिए इतना रिस्पेक्ट करता है, अपने से बातें करता है, अपने से डिस्कस करता है, तो दे विल नेवर से नो टू यू, दे ऑलवेज थिंक गुड फॉर यू, वो आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोचते। मैं हमेशा अपने पापा से एक्सप्रेसिव रहा, मैं पापा को बोलता रहा कि आई एम लविंग दिस, आई एम डूइंग दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू दिस, ही ऑलवेज वेरी हैप्पी दैट आई वॉज वेरी इंटरेक्टिव विथ हिम। मैं उनको अपना फीलिंग बताता था, हमेशा बोलता था, सो ही वाज वेरी हैप्पी कि मैं उनके साथ बातचीत करता हूं, उनको रिस्पेक्ट करता हूं, तो ही दैट्स व्हाई ही नेवर से नो टू मी। एक्जेक्टली, ये आपने सही चीज कही है, क्योंकि अगर एक्सप्रेस ही नहीं करोगे आपकी, मतलब आपको क्या करना है आगे, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगता ही है कि मतलब वो चाहे मतलब आप कितना भी उनको उनके साथ झगड़ा करो, बट कहीं ना कहीं उनको लगता है आपकी चिंता रहती है, इसके लिए ही वो आपको कुछ वो बात से। बट अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे कि आपको क्या करना है, तो बिल्कुल भी वो भी सोचेंगे कि यही क्लियर नहीं है, तो हम ही कुछ उसके लिए सोचे, अच्छे जो भी सोचेंगे वो अच्छा सोचेंगे। यू शुड डिस्कस योर प्लान विद योर पेरेंट्स, उनको प्लान बताइए, तो वो सोचेंगे कि हाँ लड़का एक अच्छे रास्ते पे, अच्छी अच्छी उसकी सोच अच्छी है, तो वो आपको नहीं कभी नहीं बोलेंगे। जीतू भाई, एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल रहता है पेरेंट्स का अपने करियर में और अपने लाइफ में, और दूसरा इम्पोर्टेंस यहाँ पे रहता है कोचेस का, स्पेशली क्रिकेट। तो आपके जीवन में कोचेस का रोल कैसा रहा है, कितना इम्पोर्टेंस रहा है? ये चीज बोलना नहीं चाहिए मैंने, पर मैं बोलता हूँ कि मेरे लाइफ में कोचेस और मेरा कभी नहीं जमा। और आई फील कि अपना विदर्भ थोड़ा सा जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थोड़ा सा पीछे 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 है थोड़ा सा। वी डोंट हैव एनी गुड कोचेस हियर कि आपको टेक्निकली सिखा सके, बट दे आर वेरी गुड मोटिवेटर्स कि जो उनसे बन सकता है वो अपनी अपनी हेल्प करते, जैसे आपको विकेट्स देना, बॉल डालना, प्रैक्टिस कराना, जितना नॉलेज हो सकता है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। बट आई फील आई गो थ्रू लॉट्स ऑफ कोचेस, मैं बहुत सारे कोचेस के थ्रू गया, और मेरे लाइफ में किरण पवार सर थे जो हमारे अंडर 19 के कोच थे विदर्भ पे, ही मेड अ वेरी बिग इम्पैक्ट इन माय लाइफ। तो होता है मतलब नॉट नेसेसरी कि मतलब हर एक से आप नहीं जमा हो, या जैसे कि आपने बताया कि कोई ना कोई कभी ना कभी आके इंस्पायर करके जाता होगा, या फिर हर एक का कुछ अलग रहती है जर्नी, तो डेफिनेटली उसमें कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। बट जीतू है आपके तरफ से, अगला सवाल मेरे तरफ से ये है आपके लिए कि मतलब आपके लिए पहला ब्रेक थ्रू कौन सा था? ब्रेक थ्रू बोल सकते हैं आप, एक जब मैं अंडर 19 में था, जब मैं सबसे जूनियर था, छोटा था टीम में, मैं जब 16 साल का था और मेरे साथ सब 19 साल के थे, और आई वाज द फर्स्ट जूनियर हु रिप्रेजेंट अंडर 19 इन द फर्स्ट ईयर, नहीं तो सब लड़के अंडर 19 सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में रिप्रेजेंट करते थे। इट वाज अ ब्रेक थ्रू, और तब मैंने इम्पैक्ट बहुत बड़ा विदर्भ में कर दिया था कि एक छोटा लड़का जब हमारे टीम में अमन शर्मा, अनुरुद्ध चौरे, अपूर्व वानखड़े, अमोक दानी, ये बहुत बड़े नाम थे उस टाइम पे, और उस टाइम
वो जब मैंने वो गेट तोड़ा और मैं टीम में आया तो दैट टाइम वॉज वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन माई माइंड और विदर्भ के लिए, कि मुझे ऐसा लगा कि आई कैन डू एनी थिंग नाउ. वो था मेरे लाइफ के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हुआ होगा ज्यादा, कॉन्फिडेंस दुगने लेवल से बड़ा होगा आपका, जब बहुत सारे आपके साथ वाले जो थे वो बहुत सीनियर थे बट आपकी एज जो थी काफी, मतलब बहुत ही पहले, मतलब आपको चांस मिला वहां पे. तो डेफिनेटली तो जीतू भाई, मतलब यहाँ से थोड़ा सा एक लास्ट एक क्वेश्चन है इस सेगमेंट में, कि मतलब जैसे कि आपने सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बहुत सारे रन्स मारे, कि मतलब टॉप थ्री में भी आपका नाम था हाईएस्ट रन स्कोरर में से, तो क्या वहां पे लगा परफॉर्म करने के बाद, क्योंकि काफी कम लोगों को यह चांस मिलता है कि विदर्भ के या फिर कौन से भी लेवल पे खेलना, अगले लेवल पे खेलना और वहां पे जाके रन मारना. उसके बाद में आपका फिर मुंबई इंडियंस में सिलेक्शन हो गया, आपको खरीदा मुंबई इंडियंस ने 10-10 लाख रुपए बेस प्राइस में. तो क्या फीलिंग थी जब ये जो आपका जो दौरा था जो चल रहा था, कि मतलब पहले आपने ये ढेर सारे रन बनाए उसके बाद में सीधा मुंबई इंडियंस में आपको चांस मिला, तो क्या फीलिंग थी, कैसा एक्सपीरियंस था ओवरऑल आपने खुद के लिए या फिर आपके पेरेंट्स के लिए? मैं बोलता हूँ, मैंने आज तक जितने भी रन किए हैं मैंने सिर्फ सोचा है कि मुझे टीम के लिए करना है, frankly speaking, क्योंकि I still remember, मैं जब घर में बोला है, मैं जब ये quarantine में सोचता हूँ कि I have missed lots of chances to score my for myself. मैंने खुद की 100s, 50s बहुत छोड़ी है मैंने life के लिए, but फिर मैंने realize किया है कि I am a team man, I am not a selfish person that I can go and score for myself. That's why I feel that I represent Mumbai Indians and that's why that year I have scored lots of runs. क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा चलता है कि टीम को कैसे जिता सकता हूँ, मैं ओपनर हूँ तो मैं कैसे स्टार्ट दे सकता हूँ उनको, 4 ओवर में 6 ओवर में कैसे मैं ज्यादा रन निकाल के उनको दे सकता हूँ. दैट्स व्हाई दैट्स वो थॉट के वजह से ही मेरे से ज्यादा मेरे से क्रिकेट बाहर निकला है, कि आई ऑलवेज थिंक अबाउट देर इज ऑलवेज टीम फर्स्ट फॉर मी, उसके बाद मैं. तो इसकी वजह से मेरा परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा निकला, कि जब आप किसी और के लिए सोचते हो तो आप बहुत कुछ अपने आप एक्सट्रीम तक जाते हो करने के लिए. Exactly. हाँ, तो फिर उस साल मैंने बहुत रन्स किए, फिर आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैं आपको सच बोलूंगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे उस साल कोई आईपीएल टीम ले, और मेरा उस साल मैं आरसीबी में ट्रायल्स के लिए गया था उस साल, और मैंने आरसीबी में बहुत अच्छी ट्रायल्स दी थी और मैंने बहुत अच्छे बॉलर्स को बहुत अच्छे रन्स किए थे वहाँ. तो एंड आरसीबी देयर वो जो उनके जो असिस्टेंट कोच थे उन्होंने मुझे खुद पर्सनल लेके बोला कि आप यहाँ से अभी किसी से, उस टाइम के पर्सनल असिस्टेंट आई डोंट रिमेम्बर ही वाज इंडियन, कि आप यहाँ से कहीं ट्रायल देने नहीं जाएंगे, आप बोले आपको हम मोस्टली 99.9% आपको हम उठाएंगे इस साल. सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड, कि ये मेरे को किसी को बताना था पर मैंने बोला ये जब तक होता नहीं मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूँ. तो उस टाइम फिर जब हमारा रणजी ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल चल रहा था और हम वापस घर आ रहे थे एयरपोर्ट से, तो हम फ्लाइट में थे, तो आई वॉज लुकिंग द ऑक्शन ऑन द फोन एंड मेरे साथ हमारे ट्रेनर थे, वो हमारे साथ देख रहे थे वीडियो. तो फिर टेक ऑफ हुआ तो फोन हमने सब बंद कर दिया, जब मैं लैंड हुआ तो मेरे फोन पे बहुत सारे फोन आने लगे. तो जैसे मुझे मिस कॉल ऐसे 15-20 दिखे, मैसेज आए कि तो आई वाज हैप्पी दैट आई गॉट टू नो दैट आई एम गॉट सिलेक्टेड समवेयर. दैट मोमेंट वाज एंड उस टाइम मैं फ्लाइट मेरी मुंबई में लैंड हुई और मुंबई इंडियंस ने मुझे सिलेक्ट किया था. आई वाज वेरी हैप्पी. तो फिर मतलब घर वालों को कैसा लगा जब आपने बताया उनको कि मतलब हो गया है, तो क्या क्या फीलिंग थी? बेसिकली माय डैड वाज वेरी प्राउड. उस रात उन्होंने आई थिंक वो बहुत एक्साइटेड थे, उनके दोस्तों को बुला के उनके साथ ड्रिंक किया था उस दिन उस रात आई थिंक. और मेरी मॉम को अभी तक पता नहीं कि मैं क्या कौन सा लेवल का क्रिकेट खेलता हूँ. शी इज नेवर इंटरेस्टेड इन माय क्रिकेट, शी ऑलवेज वांट मी टू बी हेल्दी, टू लुक गुड, टू बी अ गुड किड, दैट्स इट. शी इज अ हाउसवाइफ बेसिकली, शी डजंट केयर अबाउट माय क्रिकेट एनीथिंग, शी वांट मी टू बी गेट फिट. She want me to be a very good person, that's it. Exactly.
तो जीतू मतलब आपके साथ बहुत अच्छा समय बीत रहा है, बहुत ही आपकी जर्नी जो है इंस्पायरिंग रही है। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जब भी आपकी सक्सेस लोगों को दिखती है, बट उससे पहले कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टफ टाइम्स से गुजरना पड़ता है आपको। हर एक क्रिकेटर के जीवन में या फिर नॉर्मल किसी भी पर्सन के जीवन में टफ टाइम्स आते हैं, तो उस टाइम ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी आगे बढ़ने का हाँ चांस जीरो हो चुका है, तो हम वहां पे उम्मीद छोड़ देते हैं, सेल्फ डाउट आने लगते हैं। तो ये सारी चीजें आप कैसे देखते हो और कैसे आप कॉन्कर करते हो, अगर सेल्फ डाउट अगर आपको आता है या फिर अगर आपको पास में आया है तो आपने कैसे कॉन्कर किया उसको? मैं बेसिकली जब मेरा कभी भी मेरा भी बैड पैच कभी भी आता है या खराब टाइम आता है, आई गेट वेरी हैप्पी, आई गेट वेरी हैप्पी कि मुझे पता है कि इसके बाद बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, बहुत बड़ा, इससे ज्यादा वाला बड़ा टाइम आने वाला है। कि जब भी मेरे साथ खराब होता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि मुझे पता है अभी इसके बाद पता नहीं ये कि अभी बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। तो ये माइंड मैं हमें ये थॉट हमेशा रखता हूँ, क्योंकि ऐसा बोलते हैं, ये कहावत मेरे दिमाग में बचपन से घुसी है कि अगर शेर को छलांग मारने 2 कदम पीछे लेना पड़ता है बोलते एग्जैक्टली हैं। बस यही थॉट प्रोसेस रखता हूँ मैं हमेशा कि जब भी मेरे साथ खराब होता है तो आई गेट वेरी हैप्पी, अरे वाह मेरे साथ खराब हो रहा है अभी अभी, यानी मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ तो भी बहुत अच्छा आने वाला ये सोच है। कहीं ना और कहीं सही भी है, मतलब हाँ जितना आप उतना उसके बारे में ज्यादा सोचोगे कि नहीं यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उतना ही आप धंसते चले जाओगे अंदर अंदर। तो आप जैसे कि बता रहे हो ये, कि यार हाँ जब आपके साथ कुछ खराब होता है ना तो आप खुश हो जाइए कि आपके साथ खराब हो रहा है, मीन्स आपके आपके लिए कुछ तो भी बड़ा ऊपर से आने वाला है, ऐसा हमेशा सोचिए। और जीतू भाई मतलब कितना इम्पोर्टेंट है ये कि मतलब प्रोसेस पे फोकस करना रिजल्ट से ज्यादा, क्योंकि रिजल्ट्स के ऊपर आप जब भी फोकस करते हो तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट आती है कि इतना परफॉर्म करने के बाद भी अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या तो फिर क्या होगा, अभी कुछ खेल के फायदा भी नहीं है। बट अगर आप प्रोसेस के ऊपर फोकस करोगे, अपने गेम के ऊपर फोकस करोगे, आप अगर एज अ बैट्समैन हो, अगर आप बैट्समैन हो तो अगर आप स्कोर करने के बारे में सोचोगे ज्यादा से ज्यादा, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है या फिर रिजल्ट के बारे में सोचना सही है? नहीं, प्रोसेस इज द अल्टीमेट गोल, प्रोसेस ही आपका फोकस हमेशा प्रोसेस पे ही रहना चाहिए। आपको कितनी भी तेज भूख लगी हो तो आपको एक एक निवाला ही खाना है, आप पूरा प्लेट मुंह में नहीं डाल सकते उसको, एग्जैक्टली पूरा पूरा खाना एक साथ नहीं डाल सकते हो। सिंपल है, खाने की तरह से ही आपका, अगर आपको भूख लगी है मीन्स आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में तो आपको एक एक निवाला ही खाना है और उसको चबा के ही खाना है, आप निगल नहीं सकते खाना, नहीं तो आपको तकलीफ देता है। तो आपको वैसे ही लाइफ में है कि आपको अगर इफ यू एम समथिंग कि मेरे को इस सीजन आपको 1000 रन करना है तो फॉर दैट देर इज अ फर्स्ट मैच, पहला मैच, पहला मैच में क्या, पहली इनिंग, पहले इनिंग में क्या, पहला बॉल, फिर उसके बाद हर बॉल, एवरी बॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट्स द प्रोसेस आप। जैसे कि हम क्रिकेट में इनिंग बिल्ड करते हैं धीरे धीरे, ऐसे नहीं है कि आते ही मतलब लंबे लंबे छक्के लगाते हैं या फिर जो भी हो, बट इनिंग हाँ बिल्ड करते हैं टेस्ट मैच में अगर बात की जाए, तो आई थिंक कि लाइफ को टेस्ट मैच की तरफ से देखना चाहिए कि मतलब लाइफ इज अ टेस्ट मैच, चाहिए, इसमें आपको डटे रहना है, लाइफ इज आपको अ रिलीज टेस्ट नहीं मैन। करना। हाँ तो आपको वैसे ही आपको बॉल बॉल इट्स बेसिक थिंग कि आप जब तक बॉल नहीं देखेंगे तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बॉल देखेंगे तो भी मारेंगे तभी रन्स मिलेंगे, तो इट्स यूजलेस इफ यू आर थिंकिंग वेरी बिग बट आप बॉल को नहीं देख रहे, आपकी प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे, प्रोसेस इज द अल्टीमेट थिंग यू हैव टू डू। ये बहुत ही बढ़िया एडवाइस दिया आपने, और मतलब जो जिस तरह से आप एग्जांपल्स दे रहे हो तो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी अभी जो डाउट्स पूछते हैं मेरे से कि मतलब कि कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे हम सिर्फ प्रोसेस पे ही फोकस रखें, तो ये बिल्कुल भी बेस्ट एग्जांपल आपने दिया है। तो जीतू भाई इसी सेगमेंट में एक और सवाल रहता है, बहुत सारे क्रिकेटर्स हम देखते हैं विराट कोहली और जैसे कि सचिन तेंदुलकर, तो ये जो क्रिकेटर्स है तो मैच से पहले कहीं ना कहीं कुछ विजुअलाइज करते हैं, कुछ ना कुछ समय देते हैं, मेडिटेशन का पार्ट है ये बहुत ही बड़ा, तो क्या आपने ये चीज आप ट्राई की है और क्या आपको इससे बेनिफिट हुआ है और कितना हाँ इम्पोर्टेंट है ये चीज? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या है कि आप आपके आपकी बॉडी एक जगह रख के आप प्रेजेंट सिचुएशन में आपका सोल रखते हो और वहां आपको फील करते हो खुद को। तो जब आप वो चीज को फील करते हो कि विजुअलाइज करते हो कि आई एम बैटिंग, ऐसा बॉल आ रहा है, ऐसा खेल रहा, तो ऑटोमेटिकली वो आपके शरीर को जब आप वो सिचुएशन में जाते हो तो वो यूज्ड टू होता है पहले से, अरे ये तो मैंने वो ये इस मेरे बॉडी इट्स अ मेंटली क्या, और फिर माइंड क्या बोलता, अरे ये सिचुएशन में तो मैं पहले आ चुका हूँ,
क्योंकि आपने वो चीज विजुअलाइज किया, तो उसके लिए कुछ नया नहीं है, सिर्फ उसको रिएक्ट करना है वो चीज को, बॉडी को exactly. और इससे विजुअलाइज बहुत ही फायदा हो सकता है मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है कि आप ये विजुअलाइज कर सकते हो कि मैं ये मैच खेल रहा हूँ, जैसे अभी नेक्स्ट मैच आपका अगर किसी टीम के साथ है तो आप विजुअलाइज कर रहे हो कि इसके इसके ये बॉलर से मैं ऐसा खेल रहा हूँ, वो आउट स्विंग डाल रहा है, ये मैं ऐसा प्लेड किया, लेफ्ट किया, ये किया, जब वो रियलिस्टिक में बॉल डालने आएगा तो यू विल बी नॉट इन, वो अगर आपको अच्छा आउटस्विंग गिरा यू विल नॉट बी इन शॉक, आपको पता है वो आउटस्विंग आ रहा है, आपने छोड़ा है, तो यू विल बी हैप्पी देयर, आपको वो सिचुएशन में आप कंफर्टेबल रहेंगे, इसलिए मोस्टली आप वो विजुअलाइजेशन के वजह से आप वो सिचुएशन में कंफर्टेबल फील करते हैं, जब कंफर्टेबल हो तो आप अच्छा खेल सकते हो, पर आप विजुअलाइज नहीं करते और वो सिचुएशन में जाते हो तो आप हड़बड़ करते हो, अच्छा आउटस्विंग हो गया आप क्या करेंगे अभी, तो बॉडी वो चीज को अडॉप्ट करने में टाइम लगाता है, विजुअलाइज से आप अडॉप्ट होते हो और टाइम कम कर देता हूँ। और ये काफी अंडररेटेड टर्म है कि मतलब बहुत सारे जो लोग है इसको मतलब ऐसे समझते कि क्या मतलब कितनी बकवास सोच है और ऐसे सोच बिल्कुल भी ये कैसे हो सकता है, विजुअलाइजेशन बिल्कुल भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि विजुअलाइजेशन का कुछ एडवांटेज हो, बट जब आप डीपली उसके बारे में सोचते हो, वो खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब लेते हो उस चीज का, तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंस है। और जब अगर विराट कोहली जैसे इतने बड़े लेवल के अगर बल्लेबाज जो कैप्टन अभी इंडिया के, तो वो हर एक मैच से पहले विजुअलाइज करते हैं, तो बिल्कुल भी इसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा, तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट। आप सपने देखते हो, आपको करोड़ों कमाना है, तो आपको आप सोचते हो ना आपको करोड़ों कमाना है, लाखों कमाना है, अगर आपकी सोच करोड़ों कमाने की है तो आप करोड़ों के जैसे काम नहीं कर सकते, वैसी चीज है, अगर आप सोचेंगे नहीं मेरे को 100 करना है, वहां खेलना है, वहां करना है, विजुअलाइजेशन भी वैसा है, अगर आप सोचोगे कि मैं वहां 100 कर रहा हूँ तो आपकी खेलने का तरीका भी 100 करने का रहेगा, अगर आपकी सोच छोटी है वहां मैं देख लूंगा वहां, तो नहीं हो सकता। Definitely. It's all about mindset. मतलब mindset. कितना आप अच्छा positive mindset रखते हो, इसके साथ ही साथ meditation आप कितना करते हो, और फिर मतलब आपके efforts आते हैं कि मतलब hard work जो करते हो आप stadium पे shots वगैरह, ये जो technique आप सीखते हो, कहीं ना कहीं यहाँ से जब strong होते हो तभी आप अपना best दे सकते हो मेरे हिसाब से। नहीं मैं क्रिकेट खेला नहीं हूँ, बट जितना मैंने अभी सो मैं गेस मार रहा हूँ, और मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे यही चीज कही है, बहुत सारे क्रिकेटर्स ने मुझे यही चीज कही है कि विजुअलाइजेशन और माइंडसेट, इसके ऊपर आधे से ज्यादा आप मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अगर ये आप यहाँ पर। हाँ, और मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि मोस्टली मैं विदर्भ के लोगों में, अपने विदर्भ प्लेयर्स में, मींस जो लोकल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, डोंट थिंक स्मॉल, छोटा मत सोचिए कि मेरे को विदर्भ के लिए रणजी ट्रॉफी खेलना है या विदर्भ के लिए T20 का बिग थिंग, कि आपको IPL खेलना है, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना है, तो आप जब बड़ा एम करते हो तो आप वो प्रोसेस में, वो प्रोसेस के लिए आप हार्डवर्क करेंगे, जैसे फिर आप सोचिए कि इंडिया के लिए फिटनेस कैसा लगता है, तो इंडिया खेलने के लिए क्या स्किल्स लगती है, इंडिया खेलने के लिए क्या थॉट प्रोसेस, तो आप वो प्रोसेस में विदर्भ इज अ स्टेप, विदर्भ खेलना इज अ स्टेप, तो आप जब इंडिया के लिए फिटनेस रेडी करेंगे तो आप विदर्भ के लिए टॉप पे रहोगे, यू हैव टू थिंक फॉर इंडिया, देन यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट फॉर विदर्भ। बहुत ही एक सही यहाँ पे एडवाइस दिए लोगों को आपने। तो जीतू अभी मतलब क्रिकेट की बहुत बातें हो गई, बहुत सारी सीरियस बातें हो गई, तो थोड़ा सा मतलब शिफ्ट होते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ, तो जिसमें आपको फटक से आंसर देने पड़ेंगे, जो भी सिंपल बहुत सिंपल सवाल है। सो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज आपकी फेवरेट डिश चिकन बिरयानी। बहुत लोगों को यही चीज पसंद है और मतलब बहुत ही बढ़िया डिश है, तो बिल्कुल। फेवरेट मूवी हैदराबादी चिकन बिरयानी। हैदराबाद। हाँ, सेकंड क्वेश्चन इज फेवरेट मूवी मार्वल्स की सारी मूवी। ओ, यू आर बिग मार्वल फैन। हाँ, बिग। हाँ, थर्ड क्वेश्चन, आपके आइडल। एडम गिलक्रिस्ट और मेरे डैड। सॉरी, तो आपकी थोड़ी सवाल। एडम गिलक्रिस्ट और मेरे डैड। एडम गिलक्रिस्ट। फेवरेट पार्टनरशिप अगर कोई आपको याद हो कि मतलब दैट वाज द बेस्ट पार्टनरशिप आई हैव एवर हैड, तो कौन सी है वो? अक्षय वाडकर के साथ मैंने एक Under-19 में हम क्वार्टर फाइनल खेले जम्मू कश्मीर के, तो हम दोनों ने वहां से क्रूशियल टाइम्स हम दोनों ने 100-100 रन किए थे दोनों की पार्टनरशिप, और बेसिकली वो पार्टनरशिप में हमने दूसरे टीम को रुला दिया था, हम सिर्फ सिंगल डबल हम तोड़ते थे, हम दोनों में पावर नहीं था, हम जब 19 साल के थे हम बहुत लकड़ी थे, हमसे चौके नहीं मारना होता था 4 और 6, तो हम सिर्फ ऐसे ढकलते थे, एक दो उनको बहुत थका दिया था हमने। ओके। सो अभी एक थोड़ा सा मतलब एक फनी क्वेश्चन है, मतलब
आप विकेट कीपर भी है और आप बैट्समैन भी है, तो क्या ज्यादा आपको अच्छा लगता है, विकेट कीपिंग या फिर बैटिंग? मेरे को हमेशा, मैं बैटिंग मेरे को बहुत पसंद है, पर मैं विकेट कीपिंग में बहुत अच्छा और बैटिंग में थोड़ा वीक हूँ, ऐसा मेरे को सब लोग बोलते हैं। नहीं, सही टैकल किया है आपने ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की वन एक्सरसाइज दैट यू हेट द मोस्ट। हेलो। हेलो, हाँ आप ही बताइए थोड़ा सा। हाँ, कोर एक्सरसाइज। या सब सब हेट करते हो फॉर एक्सरसाइज ज्यादा। तो या सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आपको, अगर जब भी चीट डे होता है आपका, जो आपका फिटनेस रूटीन होता है, जो आपका डाइट रूटीन होता है, डाइट प्लान होता है, तो अगर आपको अगर जब भी चीट डे मिलता है तो सबसे पहली चीज आप क्या खाते हो? जलेबी या कोई भी चॉकलेट की चीज। हाँ यार, जलेबी बहुत लोगों की फेवरेट रहती है और बिल्कुल हाँ, भी बहुत सही रहती है। वो भी सो गरम गरम निकली हुई एकदम। यप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की आपको, आप बेस्ट मोमेंट व्हेन यू आर प्लेइंग विथ फॉर एमआई, की सबसे बेहतरीन मोमेंट आपके लिए क्या रही है एमआई के लिए जब आप खेल रहे थे तब? मैंने प्रैक्टिस मैच में हरभजन सिंह को फर्स्ट बॉल, उनका फर्स्ट बॉल था और मैंने छक्का मार के मेरी 50 किया था मैंने प्रैक्टिस में। वो मेरे को ऐसे आग दिखा रहे थे और सेकंड बॉल मेरे को आउट कर लिया था उन्होंने। अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि हरिवंश सिंह मतलब हाँ बहुत ही मतलब एक फनी पर्सन है, और मतलब बिल्कुल भी जब भी ऐसा हाँ लंबा छक्का पड़ता है तो कुछ ना कुछ रिएक्शन तो देते एक्शन होंगे। होता है, गुस्से में देख रहे थे। सो लास्ट क्वेश्चन जीतू भाई, की वन एडवाइस दैट यू विल गिव, कि मतलब अभी जो करियर स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्रिकेट में, या फिर इन बिटवीन अपने जर्नी में है, कहीं ना कहीं मेंटली थोड़े से वीक हो चुके हैं, स्ट्रगल ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या एडवाइस रहेगी उन सारे लोगों के लिए आप? सबसे पहले मैं एडवाइस दूंगा उनको कि नेवर एवर सेल्फ डाउट ऑन योरसेल्फ, और हमेशा बिलीव करो कि जो आप जो भी कर रहे हो, गलत हो सही हो, पर उस चीज पे बिलीव रखो, और हमेशा एक्सेप्ट करने को रेडी रहो। कोई भी आपको एडवाइस देता हो या आपको कोई चीज बताते हो तो लिसन, एटलीस्ट लिसन, डोंट बी स्टबर्न। मैं उनको बोलूंगा कि जो कोई भी अपकमिंग प्लेयर्स है, डोंट बी स्टबन। कोई भी आपको कुछ बोलता है तो आप सुनिए उसको, और फिर उसके बाद आप डिसीजन लीजिए आपको क्या अच्छा लगता है। एंड ऑलवेज बी वेरी पॉजिटिव, एंड ऑलवेज कीप थॉट दैट देर विल बी अ मिरेकल इन योर लाइफ। ये मैंने हमेशा सोचा है, दैट्स व्हाई आई हैव चेंज माय लाइफ। मींस मैं अभी भी ये प्रोसेस रखता हूँ कि देर विल बी समथिंग हैपन, मिरेकल्स इन माय लाइफ, दैट आई एम गोइंग टू बी प्ले फॉर सम डिफरेंट लेवल। अगर आप वो सोचते हो कि आपके साथ मिरेकल होगा तो आप, हमें नो डाउट, आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे कि आपके साथ अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला, देर विल बी समथिंग, एंड आई एम 100% श्योर कि आपके साथ हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। डेफिनेटली बहुत ही सही एडवाइस है, और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर अल्टीमेट एम इन योर लाइफ, कि आप क्या देखते हो कि आप कहाँ तक आगे बढ़ना चाहते हो? Frankly speaking, I want to represent my country, no doubt, in one day and days format, one day and sorry T20 format. So, because ये मेरे को पता है कि I am a good days player. मैं जब Under-19 के बहुत अच्छा खेलता था, days player बहुत अच्छा था, पिटाई पिटाई but हमने देखी है आपकी, जितनी पिटाई की है बहुत पे बॉलर्स। नहीं, मैं पहले बहुत स्लो प्लेयर था। मैं एक ऑल ऑफ सडन, मैं बोला ना मिरेकल्स होते हैं, वैसे मेरे लाइफ में मिरेकल हुआ और मैं बहुत अटैकिंग प्लेयर हो गया सडनली। तो आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट माई कंट्री एंड आई वॉन्ट टू प्ले एनी वर्ल्ड कप, एनी वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और एनी वर्ल्ड कप। आई जस्ट वॉन्ट टू रिप्रेजेंट अ वर्ल्ड कप। डेफिनेटली तो भाई, वी होप फॉर यू कि मतलब आप जल्दी से जल्दी देखे वो ब्लू जर्सी में, इंडियन ब्लू जर्सी में। मुंबई इंडियंस तो आप पहले होपफुल हो चुके हैं, वो भी ब्लू जर्सी थी, बट अपने कंट्री की जो जर्सी है वो बिल्कुल भी, आप बिल्कुल भी जल्दी से जल्दी आप वहां तक पहुंचो। तो आप, वी थैंक विश यू यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट, एंड थैंक यू फॉर Thank you जॉइनिंग so हियर much. एंड इंस्पायरिंग ऑल द फैंस। Thank you. It's my pleasure. It's my pleasure. यस।